गुड इवनिंग दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं शाम का 5 बजे निकल चुका हूँ और मैं कैप्टन सौरभ आज का टेक ऑफ के लिए रेडी हूँ। तो गाइस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि आज से राइड इवनिंग में भी शुरू होने वाली है। तो टेक ऑफ करने से पहले मैं थोड़ी सी पेट्रोल फिल करना चाहता हूँ, उसके बाद हम टेक ऑफ करेंगे। तो थोड़ी सी वेट कर लें और फिर हम टेक करने के लिए रेडी रह जाएंगे। लेट्स गो। चलो गाइस ये मैं लॉगिन करता हूँ फटाफट से। 5:03 हो चुकी है तो बिना देरी किए हम लॉगिन कर लेते हैं। सारा एप्लीकेशन लॉगिन कर लूँगा जिसमें पहले राइड आ जाए। ये पहली ऑन, दूसरी भी ऑन कर ले रहा हूँ ओला की ऑन, तीसरी भी ऑन कर ले रहा हूँ। रैपिड होगी हट बे। चलो तीनों ऑन होगी। अब देखता हूँ कि पहली राइड किस में आती है भाई जान। चलो पहली राइड उबेर से आ गई, ले लेता हूँ 4.3 ड्रॉप दम की है। चलो भाई शुरुआत हो गई। अभी ओला के मैं चेकिंग कर रहा था कि यहाँ कहाँ पर डिमांड है, बट मेरे को मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बंदा कहाँ है, बस फेक राइड ना हो भाई। चलो पास में ही है, जल्दी से इसको पिक करते हैं। हाँ भाई क्या पिंडा बोलो पिंड 8150 है। कोटा एयरपोर्ट 4 नंबर। चलो 40 रुपीज़ की राइड, इसमें मिला 29। यार इतना काट क्यों लिया भाई। अच्छा 40 मिला है, ठीक है ठीक है। सौरभ कुमार आया ना, अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है आप हमको इसी पे हाई कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा, हम आपको रिसेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ठीक है। चलो एक राइड कंप्लीट, अब दूसरा ढूंढते हैं भाई। एयरपोर्ट के इधर घुस गया, अब लोचा है भाई यहाँ से यू टर्न लेने का। देखते हैं कहीं से तो निकलेंगे ज़रूर। भाई साहब पैसे कितने कम दे रहे हैं यार। ये देखो अभी एक राइड आ रखी थी, मतलब दो बार वही राइड आई शाहपुर जी की, जिसमें कि 1.5 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा था और 8.9 किलोमीटर ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर ड्रॉप, तो 67 रुपीज़ उसकी दे रही है भाई। ये देखो 10 किलोमीटर की 82 रुपये। चलो ले लेता हूँ भाई, इतना तो बज ही नहीं रहा, किसी को तो उठाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ की है, इसको जाते पिक करने कहाँ पर है भाई। अच्छे जगह पे हो प्लीज़, क्योंकि अल्टर वल्टर जगह पे रहता है ना, पिक करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। पिकअप 800 मीटर आप है? पिन 50 7 6 चलो 619 619 हाँ।
हो 78 की फिर से आ गई ताल तल्ला। ये कहाँ पर है? नहीं नहीं ये नहीं लूँगा ताल तल्ला की, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाऊँगा। बाकी गाइस अभी जो मैं राइड कंप्लीट किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये राइड कैसी हुई हमारी। इतना भगा के लाया हो ना, पता नहीं यार इन लोगों को गुस्सा रहता है कि मतलब बाइक पे बैठे नहीं कि मतलब तुरंत पहुंचा दो भाई, ऐसी वाली होती है। क्या बोलूँ अभी, चलो मैं थोड़ा साइड लेता हूँ। और इस राइड की मेरे को कितने मिले? 79 रुपीस मिले। चलो ठीक है, 75 हुआ था, 79 मतलब 4 रुपये कंपनी ने ही मेरे को दे दिया। अब नेक्स्ट राइड ढूंढते हैं, मतलब कसबा की राइड मिल गई मेरे को उबेर में। 900 मीटर पिकअप दिखा रहा है, ये देखो कौन है, यस भाई है। चलो उठाते हैं इसको। चलो भाई को उठाते हैं। अच्छा है ईद की गैरेज नहीं जा पापे नहीं दिखे पापे ड्राइवर आज পিনটা বলো দাদা হ্যাঁ পিনটা বলো ওই জন্য আমি ভাবছি এই জায়গাটা তো বুকিং করে দিন আসে না সাড়ে ছোট হবে চলো হ্যাঁ চ্যানেল আছে यार। रात को भी सबको इतनी हड़बड़ी होती है, मतलब शाम के समय भी। देखो भाई बंदे ने 100 रुपये थमाया और निकल पड़ा, कंप्लीट भी नहीं किया हूँ मैंने राइड, हेलमेट भी लेके जा रहा था भाई याद दिला दिया तो नहीं तो चली जाती। देखता हूँ कितना हुआ है, 100 रुपीज़ 91। चलो ठीक है 100 रुपीज़ दिया। नेक्स्ट ढूंढते हैं भाई, यहाँ से बैक राइड मिल जाए नॉर्थ की बढ़िया है, नहीं तो फिर भटकना पड़ जाएगा भाई ईस्ट में ही। और ईस्ट में एक बार आने के बाद ना मेरा बीस्ट निकल जाएगा। आई डोंट नो कि आप लोग को फॉग वॉग दिख रही है नहीं। अभी मैं हूँ साइंस सिटी के पास और देखो भाई यहाँ पे कितने फॉग है। शायद से दिख रही होगी, आई डोंट नो, बट मेरे को जहाँ तक मैं कैमरे में देख पा रहा हूँ कि दिख तो रही है हल्की हल्की। भाई साहब रैपिडो में आ गई सेक्टर 5 की राइड। अभी मैं जो हूँ ना, मैं हूँ ये EM बाईपास ढाबा के पास से, और यहीं के पास में से ही राइड आया है। देखते भैया कौन है। इधर तो भाई ठंड ज़्यादा लग रही है मेरे को, और आप लोग बोल रहे हो कि लेट नाइट वीडियो चाहिए। बस आ तो गया मैं लोकेशन पे, मैं ये सर्विस रोड पे। आपने क्या, आप ही है? हाँ हाँ पिन बता दी, पिन बता दी। 0105 পেট্রোল পাম্প এদিকে তো পাবেন না, অনেক পিছনে আছে। হ্যাঁ এদিকে এখানে কেউ নেই, মানে তাহলে আপনি এই জায়গায় যেতে পারেন, হ্যাঁ বাইপাস ধাবা রোড দিকে। সেটাই তো সমস্যা, এই জায়গাটা পুরো না সেক্টর 5 মধ্যে কোথাও পাবেন না। हाँ हाँ काफी समय 10 मिनट। भाई साहब भाई का बाइक के पेट्रोल खत्म हो गई यार।
ऑनलाइन या कैश? न्यू टाउन की राइड आ गई भाई। इस राइड पे कितना मिला मैंने देख भी नहीं पाया भाई। चलो कोई नहीं, अभी न्यू टाउन की भी राइड मिल गई सेक्टर 5 से। मेरे को पता था सेक्टर 5 से अभी मिल जाएगी, सेक्टर 5 से कोई दिक्कत नहीं। अभी 12-1 बजे तक राइड मिलेगी यहाँ से। पिन बता दीजिए। चले चलो 55 की कैश कलेक्ट, मिला 50 रुपीस। एक्सिस मॉल, लेट्स गो। तो गाइस दिन के मुकाबले रात में अर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा मेरे को देखने को मिली, और इसमें से मैंने लगभग 3 बंदे ने मेरे को एक्स्ट्रा दिया, 4-5 बंदे ने एक्स्ट्रा दे दिया। और अभी तक जो मैंने राइड किया है ना, बहुत ज़्यादा राइड हो गई। मैं दिखाता हूँ, 3 उबेर में, उसके बाद रैपिडो में हमारी 1-2-3 राइड हुई है बस। आलिया यूनिवर्सिटी पेमेंट कम दे रहा भाई, TCS गीतांजलि, ओ माई बैड लक। कोई नहीं, फिर से आएगी ले लूँगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की कैसे क्या मिलती है। आई डोंट नो फॉग में आप लोगों को कुछ दिख रही है नहीं दिख रही है, पता नहीं। तो गाइस टाइम अपडेट 10 बज गए हैं भाई, और फॉग बहुत बढ़ गई है। मेरा हाथ भी सील्ड हो गया, देखो मैंने ग्लव्स जान करके उतार दिया, क्योंकि हो क्या रही थी ना ग्लव्स के कारण मेरे को, मतलब अंदर हवा जो घुस रही थी वो जम जा रही थी, ऐसे समझ लो। मतलब पहनने या ना पहनने से कोई फ़ायदा नहीं था, थोड़ी सी राहत तो थी बट कोई नहीं। इसमें क्या होता है ना, बाइक चलाने थोड़ी सी कंफर्ट होती है, और कोई नहीं, ठंड लगे चाहे जो भी लगे थोड़ी सी कंफर्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। हाँ तो 10 बज गए हैं गाइस, सिटी सेंटर 2 क्रॉस कर रहा हूँ, और अब सोच रहा हूँ कि लॉग आउट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि पास में ही घर है, तो अब घर निकल जाते हैं। और भाई रैपिडो ने तो बबाल मचा दिया भाई, बबाल मचा दिया। एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया कि भैया सब्सक्रिप्शन लिया ना तब मेरे को राइड आने लगी, इससे पहले राइड ही नहीं आ रही थी, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो भाई ये होती क्यों है ये तो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। देखो राइड बैक टू बैक आई जा रही है, बट अभी नहीं लूँगा, अब ख़त्म, क्योंकि ठंड बहुत तगड़ी लग रही है भाई मेरे को, कितना भी 2-3 कपड़ा पहन के आया हूँ तब भी। राइड बहुत तगड़ी राइड है भाई, और आज जहाँ की भी व्हील देती थी मैं सारा पिक कर रहा था, ऐसा बात नहीं कि मैं पिक नहीं कर रहा था, तो मज़ा आ गया इस काम करने में। और मैं अभी चलो भाई ऑफलाइन कर दिया, और अर्निंग अपडेट बता देता हूँ। तो गाइस अभी जो मैंने अर्निंग किया 250 रुपये की रैपिडो में किया, ठीक है, 250 रुपये की रैपिडो में किया, और उबेर का मैं बता देता हूँ, उबेर में लगभग 200 रुपये की अर्निंग किया, मतलब लगभग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ने ना मेरे को एक्स्ट्रा वगैरह दिया है, तो उसके कारण से मैंने देखा। हाँ 195 की उबेर में अर्निंग की, मतलब हो गए गाइस 450 की हो गई अर्निंग दोनों एप्लीकेशन को मिला करके, ओला वगैरह किसी से कुछ नहीं हुआ। हाँ तो गाइस हम कहाँ पे थे, 450 की हमारी जो है अर्निंग हुई, बाकी जो है ना उसके बाद से भाई मतलब सब मिला करके अगर देखूँ तो मैंने सारा कैलकुलेट किया है सारा, ठीक है, तो 523 रुपये की हमारी अर्निंग हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा वगैरह मिला करके भाई। तो क्योंकि एक्स्ट्रा ही बहुत आज मिल गई थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही मिल गई थी, तो टोटल 523 की हमारी अर्निंग हुई, 523, ठीक है, एक्स्ट्रा मिला करके मैं बता रहा हूँ बार बार एक ही चीज़, एक्स्ट्रा मिला करके। हो क्या बताओ यार, हाथ से जो भी। हाँ तो गाइस हम कहाँ पे थे, यहीं थे, तो एक्स्ट्रा मिला के 523 हमारी अर्निंग हो गई, और इसको अगर माइनस कर दूँ तो हमारा जो मैंने मेन राइड से कमाया है वो है 450 रुपये के 2-3 रुपये कम है भाई, ठीक है। अब पूरा कैलकुलेशन के लिए भाई अब मत कमेंट कर देना। तो अभी गाड़ी जो हमने चलाया वो भी बता देता हूँ, अब गाड़ी के समय है
तो 70 किलोमीटर अभी चल रही है और लगभग लगभग मेरे को 2 किलोमीटर घर जाने में, मतलब 72 किलोमीटर। तो पेट्रोल कॉस्ट होता है गाइस 174, इसको माइनस कर देते हम, माइनस 174, तो गाइस 350 रुपये लेके जा रहा हूँ मैं घर। और राइड तो बहुत अच्छी खासी मिली, राइड बहुत अच्छी खासी मिली, 350 रुपये हमारे बच रहे हैं बस। ये सारा रैपिडो का कमाल था। हाँ, हालांकि दिन के मुकाबले अभी जो है ना पैसे कम है थोड़ी सी, और राइड ज़्यादा देखने को मिल रही है। राइड ऐसे दिन में भी ठीक ही रहती है, उतना मतलब ख़राब नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो आज का वीडियो यही हम एंड करते हैं, घर जाते थे, 10:30 ही बज जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फुल राइड की वीडियो मिलेगी, लेकिन इतने ठंड में नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली मैं तबीयत ख़राब हुआ है, ठीक होके उठा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया, ठीक है। थोड़ी सी भाई थोड़ी सी गर्मी आने दो, मैं फुल राइड भी करके दिखा दूँगा आप लोगों को, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ एंड टेक केयर।